वक्त की सबसे बड़ी खबर वो ये है कि एनसीबी रिया का रिमांड नहीं मांगेगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया का रिमांड नहीं मांगेगी। पिछले 3 दिन से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही थी। रिया को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब से थोड़ी देर पहले गिरफ्तार किया है, जो खबर आज तक ने सबसे पहले आपको बताई है। और अब जो आज तक आपको बता रहा है, आज शाम को ही रिया की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, लेकिन रिया का रिमांड एनसीबी नहीं मांगेगी। अरविंद ओझा, क्यों रिमांड नहीं मांगेगी एनसीबी, बताइए। अरविंद तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको बता दें 3 दिन के बयान एनडीपीएस एक्ट के तहत रिया चक्रवर्ती के लिए गए हैं आज, इसलिए रिया चक्रवर्ती का रिमांड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नहीं मांगेगा। बहुत मुमकिन है उसके बाद अदालत रिया चक्रवर्ती को न्यायिक हिरासत में भेज दे। क्या रिया चक्रवर्ती के वकील, जो कल तक कह रहे थे हमने कोई जमानत की अर्जी नहीं लगाई है, आज जमानत की अर्जी लगाते हैं या नहीं, इस पर नजर रहेगी। अरविंद ओझा बताइए, जानकारी क्या आ रही है आपके पास? अरे सर पैचू आधे अरविंद मेरी आवाज आ रही है आप तक, तो बताइए क्या जानकारी आपके पास आ रही है, रिमांड नहीं मांगने का मतलब क्या है? अरविंद ओझा, तो रिया चक्रवर्ती को पेश किया जाएगा आज ही शाम 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उनकी अदालत में पेशी हो जाएगी। इस समय रिया को अस्पताल ले जाया गया, साइन हॉस्पिटल में रिया का मेडिकल चेकअप हो रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कि साथ ही साथ कोरोना का टेस्ट भी रिया चक्रवर्ती का किया जा रहा है। शाम 7:30 बजे रिया चक्रवर्ती को पेश किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने, और एनसीबी रिया की रिमांड नहीं मांगेगी। अरविंद ओझा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, वापस आते हैं आपके पास, तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय, ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की, रिया को लेकर पहुंची एनसीबी की टीम साइन अस्पताल, जहां रिया का मेडिकल टेस्ट इस समय कराया जा रहा है, और मेडिकल चेकअप कराने के बाद वापस रिया को उसी एनसीबी दफ्तर लाया जाएगा जहां 3 दिन से पूछताछ चल रही थी। आज तक ने 3 दिन पहले आपको बता दिया था कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की सूरत में वहां पर बाकायदे एक लॉकअप को साफ करा लिया गया है, महिला को जिस लॉकअप में रखा जा सके, इसलिए बहुत मुमकिन है कि रिया चक्रवर्ती को वहीं पर लाकर रखा जाए। एनसीबी को लगता है कि एनडीपीएस एक्ट में जो बयान 3 दिन तक रिया चक्रवर्ती ने दिए हैं वो काफी हैं, लिहाजा रिया का रिमांड मांगे जाने की आवश्यकता नहीं है। पंकज उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त साइन अस्पताल में मौजूद है। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त एनसीबी के दफ्तर मौजूद है। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ आ गए और जानकारी लेकर। अरविंद बताइए क्या अपडेट है आपके पास? देखिए जो हमें अभी जानकारी मिली है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों के हवाले से कि रिया चक्रवर्ती का जो रिमांड है वो नहीं मांगेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और उसके पीछे वजह है ये है कि जो 3 दिन का बयान दर्ज हुआ है वो 67 एनडीपीएस एक्ट में पहले ही रिया चक्रवर्ती का बयान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दर्ज कर लिया है। और ये बयान आपको बताऊं, ये बयान जैसे एक पुलिस के सामने जो बयान दिया जाता है 161 का बयान, उससे थोड़ा डिफर होता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो DRI ये जो इस तरह की एजेंसियां हैं जिनके सामने अगर कोई शख्स बयान देता है तो बयान ही काफी होता है और उसी बयान को अदालत में दिया जाता है और वो कोर्ट में एडमिसेबल होता है। तो अभी तक की जो जानकारी है, अभी तक की जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया की जो रिमांड है वो नहीं मांगने जा रही है। उनका कहना है कि उन्होंने 3 दिन तक ऑलरेडी रिया चक्रवर्ती को एग्जामिन किया है, और जो कुछ रिया चक्रवर्ती ने बताया है वो उन्होंने 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत वो बयान दर्ज किया है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7:30 बजे सुनवाई होगी इस मामले पर रोहित। बिल्कुल, लेकिन अरविंद ओझा अब जबकि वो रिमांड नहीं मांगेंगे आगे क्या सूरतें हो सकती हैं, और उनके वकील क्या कह रहे हैं, क्या वो अब जमानत की अर्जी लगाएंगे या अब भी नहीं, अब भी यही कहेंगे कि प्यार करने की ये सजा है तो यही सही? जी देखिए अभी आगे की जो रणनीति है वो आगे की रणनीति का खुलासा वो उनके वकील करेंगे। देखिए इसमें जो इस पूरे केस में आपको बताऊं, लगातार हर तरफ से कानूनी दांव पे चल रहे हैं,
खासकर जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन करके चौंका दिया, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से तैयारी थी। जितने लोगों के भी व्हाट्सएप चैट मीडिया में आ गए थे वो सभी लोग पहले से तैयार हो चुके थे, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, खुद भी वो तैयार हो चुके थे, उनके वकील भी तैयार हो चुके थे। उनके बहुत अच्छे से मालूम था कि एक लंबा गैप हो चुका है, कम से कम मेडिकल जांच कराई जाएगी तो उसमें हम पाक साफ निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से कहें तो जांच एजेंसी इन्वेस्टिगेशन में रणनीति बना रही है, जो आरोपी है वो अपनी तरफ से रणनीति बना रहे हैं और कानूनी पहलुओं पर हर तरफ से रणनीति बनाई जा रही है, जिसका जिक्र आपने किया प्यार इस मोहब्बत वाला, और ये एक मैसेज नहीं बल्कि दो बार आ चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का इन्वेस्टिगेशन है, ये दूर डीआरडीओ में बैठी सीबीआई के अफसर भी देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज आपको बता दूं, ड्रग्स का लेन देन हो रहा है। रिया चक्रवर्ती उनके भाई सुशांत को ड्रग्स मुहैया करा रहे हैं ड्रग्स पेडलर से, नंबर एक। नंबर दो, रिया चक्रवर्ती कहती है कि वो बहुत प्यार करती थी। नंबर तीन, वो कहती है कि सुशांत बीमार थे और 5 डॉक्टरों से इलाज करवा रहे थे। तो इन सब के बीच वो चैट व्हाट्सएप अगर दिखा दिया जाए 15 मार्च 2020 का, कि जब एक तरफ आप 5-5 डॉक्टरों से इलाज करा रही थी, तो फिर ये कौन है जिसके लिए आप कह रही थी कि वो दिन में 4 बार सिगरेट लेता है, और अपने भाई से कह रही थी कि अरेंज करा दो। तो सीबीआई की नजर भी इस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच पर होगी। बहरहाल हमारे पास जो जानकारी है हमारे सूत्रों के हवाले से कि वो रिमांड नहीं मांग रहे रिया का, हालांकि कुछ देर बाद और काफी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है रिमांड नहीं मांग रहे रिया चक्रवर्ती का। उनका कहना है कि उन्होंने 3 दिन तक एग्जामिन किया है और जो कुछ भी उन्होंने बताया है वो 67 NDPS एक्ट के तहत बयान दर्ज हुआ है, जो कोर्ट में मान्य होता है। जो कुछ भी उन्होंने बोला होगा, जो कुछ भी उन्होंने कबूला होगा, वो सब कुछ। तो आज रात रिया को लॉकअप में रहना होगा NCB के। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज की रात तो उन्हें लॉकअप में रहना होगा, हवालात में रहना होगा, और अगर अदालत में पेश किया गया और ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया तो वो देखने वाली बात होगी कि वो फिर कहाँ जाती हैं, जेल सलाखों के पीछे कहाँ जाती हैं। और इन सब के बीच उनके जो वकील है वो जमानत लगाते हैं नहीं लगाते हैं। लेकिन आपको बता दूं रोहित, यहाँ इसके अंदर हवालात की भी व्यवस्था है, महिला हालात की भी हवालात की व्यवस्था है, और 2 दिन पहले जो हमें जानकारी मिली थी हवालात को पूरी तरह से सैनिटाइज भी करा दिया गया था पूरी तरह से, चूंकि कोविड चल रहा है इसलिए जो कुछ भी कोरोना काल के दौरान जो प्रोटोकॉल होते हैं वो प्रोटोकॉल तैयार के तहत सफाई कर ली गई थी, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास पहले से ही काफी एविडेंस थे, ये तो एक महज खाना पूर्ति थी, इसलिए अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी। यहाँ मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो रिमांड है वो क्यों नहीं मांगी गई। दरअसल पहले से ही तमाम आरोपी गिरफ्तार है। अदालत में जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गई तो उन्होंने कहा कि हम रिया से पूछताछ करना चाहते हैं, पूछताछ इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे पास जो आरोपी है उन आरोपियों ने रिया के को लेकर कई बयान दिए हैं, उनको कन्फ्रंट कराना है। तो इसी बिल्डिंग में रिया को तमाम आरोपियों के साथ कन्फ्रंट करा दिया गया, तो और 3 दिन तक पूछताछ हुई। वो पूछताछ 67 NDPS एक्ट में उनके बयान दर्ज हुए। तो ऐसे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर्स ने आज तक को बताया कि हमने 3 दिन तक एग्जामिन किया है, अब हमें रिमांड की जरूरत नहीं है। तो ये देखना होगा कि अदालत में क्या फैसला लेता है। 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होनी है। फिलहाल जो है रिया चक्रवर्ती का मेडिकल कराया जा रहा है।